कार्रवाई बहुत हुई, हम नहीं सुधरेंगे इस ट्रेंड पे चल रहे थे। सुधारने के लिए विकेश सेन आ गया है। कि जितने भी अपने रजिस्ट्री दुकान से एक कदम भी आगे बढ़े और जिसके भी दुकान के सामने कोई भी अवैध व्यापार करते दिखे, उस दुकान का गुमास्ता कैंसिल होगा, उसकी रजिस्ट्री शून्य मानी जाएगी, ये स्पष्ट रूप से हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये केवल संडे के संडे नहीं होना चाहिए, बल्कि डेली होना चाहिए, मंडे टू संडे होना चाहिए। मेला का संडे मार्केट है, नगर निगम ने 2-3 सप्ताह पहले यहाँ पर व्यवस्थापन किया था, मार्किंग की थी, लेकिन लोग नहीं सुधरेंगे यहाँ पर, और वैसे ही अव्यवस्थित वाहन पड़े हैं, गाड़ियाँ पड़ी हैं, बेतरतीब दुकानें लगी हुई हैं, और आज इसका जायजा लेने के निकले हैं वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन। और रिकेश सेन यहाँ पर एक एक जगह में जा करके यहाँ पर लोगों को हदायत दे रहे हैं कि अगर वे नहीं सुधरे तो उन्हें ये काम करना महंगा पड़ेगा। क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, आइए दिखाते हैं आपको। मौजूद है साथ में रिकेश जी, यहाँ पे आपने आज निरीक्षण किया, क्या पाया और क्या बड़ी कार्रवाई है? देखिए, सीधा स्पष्ट निर्देश आज मैंने दे दिए हैं। अब एक ज्वाइंट कमेटी की बैठक हुई है और उसमें ये तय हुआ है कि जितने भी अपने रजिस्ट्री दुकान से एक कदम भी आगे बढ़े और जिसके भी दुकान के सामने कोई भी अवैध व्यापार करते दिखे, उस दुकान का गुमास्ता कैंसिल होगा, उसकी रजिस्ट्री शून्य मानी जाएगी, ये स्पष्ट रूप से हो गया। यहाँ पे लोग कार्रवाई बहुत हुई, हम नहीं सुधरेंगे इस ट्रेंड पे चल रहे थे। सुधारने के लिए विकेश सेन आ गया है। बिल्कुल, सुधारने के लिए रिकेश सेन आ गए हैं, वैशाली नगर विधायक है, और यहाँ पे हमारे साथ कुछ भाई साहब जुड़े हैं। भैया बताइए क्या दिक्कत आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये केवल संडे के संडे नहीं होना चाहिए, बल्कि डेली होना चाहिए, मंडे टू संडे होना चाहिए। मार्केट तो संडे को लगता है ज्यादा भीड़, संडे को जरूर रहता है, लेकिन कुछ दुकानदार ऐसा है कि दुकान लगभग सड़क पे, खास करके चौक पर देखा जाता है, लगभग 20-20 फीट 18-18 फीट माल बाहर निकाल लेते हैं, और जो दुकानदार जैसे ज्वेलरी के दुकानदार हैं वो माल बाहर नहीं निकाल पाते हैं, जिसकी उनको दुकानें भी दब जाती है, प्लस चौक पर स्थिति ऐसी निर्मित होती है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। इसकी शिकायत तो मैंने कई बार कलेक्ट्रेट में की है, यहाँ के कमिश्नर को की है, लेकिन कभी वो आते भी हैं, आने से पहले उनको सूचना मिल जाता है निगम के किसी कर्मचारी के द्वारा, और वो माल अंदर कर लेते हैं और कार्रवाई से बच जाते हैं। मैडम हमारे साथ है, मैडम क्या दिक्कतें आती है मार्केट आते हैं आप? बहुत सारी पब्लिक को दिक्कत परेशानी है ये मैडम, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके कारण पॉपुलेशन का भी प्रॉब्लम हो गया है, आने जाने के लिए भी दिक्कत होती है, ट्रैफिक कैसे यहाँ पे कब्जा हो रहा है उसको लेकर? कब्जा तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, उससे बहुत ही परेशानी है लोगों को। यहाँ पे जो पब्लिक भी काफ़ी परेशान है, और यहाँ पे हम और भी लोगों से बात करें, काफ़ी कब्जा की बात करें तो लंबे समय से कब्जा है, पूर्व में राजनीतिक संरक्षण भी मिलता आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे निगम आती है, कार्रवाई करती है, लेकिन अगले दिन जस की तस स्थिति बनती है। मेला का ये रविवार बाजार है, देख सकते हैं कैसी आपाधापी की स्थिति है, और ये हर रविवार यहाँ पे ऐसा ही हाल होता है। कई बार कोशिश की गई, पुलिस ने कोशिश की, निगम ने कोशिश की, पर हाल नहीं सुधरा। और आप देखिए यहाँ पर जैसे ही विधायक इस ओर से अपना काफिला लेके आ रहे हैं पैदल पैदल, तो इस ओर लोग यहाँ पर सतर्क हो गए और आनन फानन में गाड़ियाँ भी हटा रहे हैं, लेकिन ये व्यवस्था हमेशा की होनी चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं होता। स्थितियों में जाम की स्थिति लगती है, एक कार भी नहीं घुस सकती 100 फीट और 150 फीट की, 100 फीट आप देखेंगे तो सुपेला चौक से मस्जिद तक 100 फीट है और मस्जिद के आगे 150 फीट है, लेकिन उसके बावजूद भी ये 20 फीट की सड़क बन जाती है। इसके लिए आज तक जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, नगर निगम ने ज्वाइंट काम किया है, बड़े बड़े IAS और IPS इसके समस्या के समाधान के लिए निकले, लेकिन ये कुछ दिन के तक ही ये सीमित रहा, उसके बाद फिर जस की तस हो जाती थी। आज आप लोगों के माध्यम से एक बड़ा संदेश देने जा रहा हूँ, संडे, अगले संडे को एक भी व्यक्ति अपने दुकान से 1 फीट भी आगे बढ़ा, उसकी रजिस्ट्री शून्य मानी जाएगी। तत्काल संडे को ही 1 फीट भी आगे कोई आया, उसकी दुकान तत्काल जिला प्रशासन की टीम, नगर निगम की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम मिल के, ज्वाइंट में मिल के उसकी दुकान को सील किया जाएगा। फल ठेलों की जो बात आती है, अधिकतर जो दुकानदार हैं फल दुकानों से, मैंने कुछ लोगों से बात की, लेकिन वो जो है इनकार कर दिए इस बात से, लेकिन ये सारे लोग मेरे संपर्क में हैं, हर दुकानदार अपने सामने फल का दुकान लगाने देता है। फिर एक बार
इस बाजार को व्यवस्थित करने की बात की जा रही है। अगले संडे का इंतजार सबको रहेगा, क्योंकि विधायक रिकेश ने जिस तरीके से कहा है कि अगले संडे को यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई होगी और जो अपनी दुकान के आगे अपने बढ़ा करके सामान या मार्केटिंग करेगा उसका रजिस्ट्रेशन शून्य किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो एक बड़ी कार्रवाई के रूप में से देखा जा रहा है, क्योंकि ये बरसों का मार्केट है जिसकी व्यवस्था कभी नहीं सुधरी है। तो सवाल ये है कि क्या इस कार्रवाई से इसकी व्यवस्था सुधरेगी। कोमल धने सर, IBC 24 भिलाई।